Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. आशा, तुम्हारे मन की आशा पूरी हो गई। विजय ने एमए पास कर लिया। सिर्फ पास ही नहीं किया है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। विजय आज आ रहा है। आज अगर तुम होती। साहब, अब अभी भी खड़े हैं? क्यों, तुझे क्या हुआ? मेरा क्या होगा, छोटे साहब का प्लेन का टाइम हो गया, उसे लेने नहीं जाएंगे? आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। क्यों रे दासू, विजय मेरा बेटा कि तेरा? क्या बात करते हैं आप, तो कुछ भी बोल देते हो। तेरी भाषा से तो लगता है कि वो तेरा बेटा है। मेरा क्या, जिसकी शादी उसका होश नहीं और पड़ोसियों की नींद नहीं। अरे सुन, रंजन को एयरपोर्ट पे भेज दिया मैंने। क्यों रे विजय, अमेरिका और इंडिया में तुझे क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं? चेंज तो हुए हैं सिर्फ दो। यहाँ पर आके मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मतलब यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। और एक बात है टाइम फैक्टर, वहाँ का प्लेन 10 बजे तो 10 बजे छूटेगा और यहाँ 10 बजे का प्लेन। तेज चला ना ड्राइवर, इतने तेज क्यों चला रहे हो? जल्दी क्या है? जल्दी मामा जी का जो टेंशन है। ओह, घर से एयरपोर्ट पे फोन किए थे, मैंने कहा प्लेन 2 घंटा लेट है, कुछ देर में फिर से मार्केट से फोन किया। हाँ? ये क्या, पापा मार्केट जाते हैं? तू इतने दिन बाद लौटा है ना, इसी खुशी में मार्केट गए हैं। आज पूरा सिलीगुड़ी मार्केट खाली कर देंगे लगता है। सच में बहुत दिनों के बाद घर का खाना खाऊंगा, इतने दिनों से अंग्रेजी खाना खा के मुंह का स्वाद बिगड़ गया। ये सब तो मेरे नसीब में नहीं है भाई, तुझे घर छोड़ के मुझे चाय के बगीचे में जाना है। नहीं नहीं, आज बगीचा वगीचा कुछ नहीं, आज घर पे रहेंगे और रात को घर का खाना दोनों मिल के खाएंगे। ऐसा है क्या? विजय, पढ़ाई तो खत्म हो गई तुम्हारी, अब आगे क्या करने का इरादा है? अब तक फाइनल नहीं किया। थोड़ा सा आराम करने दीजिए। मैं सोच रहा था कि बगीचे के काम में मन लगाओ। भैया, रंजन रहते विजय क्यों? विजय को और पढ़ने दो। नहीं नहीं, रंजन के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ रहा है इसलिए। मामा जी, विजय को अभी इस बिजनेस से दूरी रखेंगे तो अच्छा है मेरे ख्याल से, वो हमारा गर्व है। विजय, तू और पढ़ाई लिखाई कर, फॉरेन में ही रह, वहीं रिसर्च कर। हाँ भैया, विजय और पढ़ाई करके खानदान का नाम रोशन करेगा। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, विजय बड़ा हो गया है, पढ़ाई लिखाई की है, जो उसको ठीक लगे वो करे। पापा, मैं सोच रहा हूँ कि टी स्टेट जाऊँ। अरे यार, ये देखो। छोड़ो। दिखने में तो अच्छे घर के लगते हो, हाथ छोड़। ज्यादा ध्यान नहीं देने का, चल निकल यहां से। आप थोड़ा हट जाइए उस तरफ। तू भी आ गया, मार खाना है ना? उठ साला, उठ, चल गाड़ी में बैठ, बैठ, चल। हे ड्राइवर, मूव। डैम इट, लीजिए माधुरी जी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? यहाँ है ना, कहाँ जा रही हैं? सुखना। चलिए मेरी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। हाँ। लेट्स गो।
आपने तो कहा सुखना जाना है, सुखना में कहाँ रहती हैं? मोहरगांव गुलमार्ग टी स्टेट। मोहरगांव गुलमार्ग? सॉरी गड्ढा था। जहां तक मुझे पता है वहां के स्टूडेंट्स के लिए बस सर्विस है। हाँ था, लेकिन कुछ साल पहले कंपनी ने बंद कर दिया। हमारा बगीचा आ गया। हाँ हाँ प्लीज आती हूँ। आपको बचाया, धन्यवाद नहीं कहेंगी? धन्यवाद कह के आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती। नमस्ते। जी नमस्ते।
जी हा? कुली लोग आपको मिलने के लिए आया है। मुझसे मिलने? हाँ जी साहब। उनसे कहो कि मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। साहब आपकी कॉफी। हरामखोर, घर में ट्रे नहीं है, ट्रे क्यों नहीं लाया? कभी भी कोई चीज लेकर आओ किसी को देने के लिए तो ट्रे लेकर आना। हाँ जाओ। सही है सही है सही है। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। और कहिए। हमारी तकलीफें आपको छोड़ के हम किसे बताए, बताओ तो। मालिक कल रात भर बारिश हुई, बीवी बच्चे के साथ रात भर सोया नहीं। मालिक पानी ही पानी। हमारे खोली और घर के हाल आप एक बार देखेंगे तो समझ जाएंगे साहब कि हमें कितनी तकलीफ है। क्या बात है, तुम सब यहाँ काम बंद करके यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? आपको बोलने से क्या फायदा, आप कुछ करते भी नहीं, सुनते भी नहीं। अभी हमने मालिक से बात की, उन्हीं को सब कुछ बताएंगे। भैया ये लोग कह रहे हैं कि इनकी छत टपक रही है। क्या तुम लोगों के घर के छत से पानी गिरता है? हाँ साहब। बुद्धू कहीं का, घर के ऊपर से पानी नहीं गिरेगा तो क्या गाय का दूध गिरेगा? अरे भैया यू शुड नॉट टॉक लाइक दैट। अच्छा तुम लोग जाओ, अब मैं देखता हूँ। हाँ चलो चलो, चलो हाँ चलो चलो बस जरूर चलो चलो। दाल रोटी खाओ, मछली पकाओ। कांचा, ए कांचा। हाँ सर। जूता ला। आता है आता है। जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशानी है। साहब। हाँ साहब जी। अरे ये क्या? जूता। वो तो दिख रहा है लेकिन ट्रे में क्यों? अरे साहब उस दिन तो आपने बोला। क्या बोला? एक अंचा। हाँ। ट्रे का इस्तेमाल सीख, जो कुछ लाना है ट्रे से ही लाना। मैं ले आया। अच्छा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सेवा? तो मेरी बात मान लो, सेवा ही मेरी धर्म है। अरे मैंने तुझसे क्या कहा था? क्या बोला? बोला था कि चाय वाय लाना तो ट्रे से लाना। जूता बोला था क्या? रास्कल। हाँ? ये जो रास्कल बोला ये भी ट्रे से ले आओ क्या? जूता यहाँ रख के तू जाएगा या दो एक चमाट? ए हरामखोर। आइए सर। हाँ? नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्ते मैनेजर साहब। आज सुबह लेबर आकर मुझसे मिले थे बंगले पर, और उन्होंने शिकायत की है उनकी छत बरसात में टपकती है। जिन लेबर क्वार्टर्स की छत खराब है वो इमीडिएटली रिपेयर करवाइए। जाओगे मैं सर। अच्छा मैनेजर, हमारे स्टेट की स्कूल बस खराब है क्या? हाँ सर। ना 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 सर। तो स्टूडेंट्स को बस क्यों नहीं मिलती? रंजन साहब ने बंद कर दिया जी। मैंने ये सब सुना है। अच्छा आप इमीडिएटली बस शुरू करने का इंतजाम कीजिए ताकि स्टूडेंट्स को आज ही बस मिले। ओके ठीक है सर, मैं अब भी फोन करके बताता। अच्छा, सर आइए। आपको अगर तकलीफ ना हो तो आज की रात बंगले पे आ जाइए। अयो आप ऐसे क्यों बोले थे जी, आप तो मालिक जी, आप सिर्फ हुक्म करो जी। थैंक यू वेरी मच। और आते समय कंपनी की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स लेकर आना। अयो क्या हुआ? कॉन्फिडेंशियल फाइल। अयो
देख जी। अरे साहब आने वाला है, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे क्या हो गया? हाँ अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतना ढीले से काम नहीं होगा। हाँ तुम उधर जाओ और दो लोग इधर जाओ। हाँ काम चोर कही के। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते, आज रात को कमरी को बंगले में भेज देना। ठीक है साहब। तेरा ओवर टाइम बिल आज पास हो जाएगा, समझा? अरे आप तो हमारे लिए भगवान आदमी हो। मातृ भी आप, परमात्मा भी आप। नमस्ते साहब। क्यों रे चिल्ला क्यों रही है? अरे गुड न्यूज है। गुड न्यूज? फिर से स्टूडेंट्स बस चालू हो रही है। मालिक का बेटा खुद सैंक्शन किया है। मालिक के बेटे ने? वो तो यहाँ नहीं रहते। अरे बाबा कल ही तो आया है। तो अचानक इतने मेहरबान कैसे? पापा ने कहा विजय साहब बहुत अच्छे इंसान है, तो चल। तो हाँ हाँ आती हूँ, ड्रेस चेंज करके आती हूँ। नमस्ते। बस निकालने का ऑर्डर किसने दिया? बड़े साहब। मधरी मधरी तुम इधर आके बैठो। क्या हुआ आज तुम सबके हाथों में फूल? आज विजय साहब को धन्यवाद कह के सब लोग कॉलेज जाएंगे। धन्यवाद? सच में माधवी हमें विजय साहब को धन्यवाद कहना चाहिए। अच्छा ठीक है चलो चलो। स्कूल बस का ऑर्डर आपने दिया है? ये अथॉरिटी किसने दिया? हट। चुप क्यों है आप? किसने आपको बस निकालने का परमिशन दिया? क्या हम बड़ा साहब जी? बड़े साहब? विजय साहब। विजय स्कूल बस चालू कर दिया, एक बार तूने ये नहीं सोचा पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है? रंजन भैया आपने शायद ये नहीं सोचा कि चाय पत्ते के दाम चार गुना बढ़े हैं, पूरे चार गुना। मे आई कम इन? क्या बात है तुम लोग यहाँ? एक्चुअली हम लोग विजय जी को धन्यवाद कहने आए हैं। धन्यवाद? सर हमारे बस का इंतजाम करने के लिए धन्यवाद। ये लीजिए एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू माय यंग फ्रेंड्स, इतने दिनों से आप लोगों के लिए बस नहीं थी तो आप लोगों को काफी तकलीफ हुई, इसलिए कंपनी की ओर से मैं माफी मांगूंगा। सर आप ग्रेट हो। सर आप दिखने में भी अच्छे हैं और दिल भी अच्छा है। चुप चलो। दीदी उनको नहीं देना है? हाँ दे दो। ये लीजिए सर। हम लोग आते हैं सर। नमस्ते। हाँ नमस्ते। आइए चलो। माधवी एक बात पूछू, सच सच कहेगी? बोल। ना तू पहले से क्या विजय साहब को जानती थी? अचानक ये सवाल? नहीं सुबह तुम दोनों को देखकर कुछ ऐसा ही महसूस हुआ जैसे पहला पहला प्यार। रिसर्च कर। साहब। अरे मैनेजर साहब आइए आइए बैठिए। आइए टेक जी। थोड़ा लेंगे क्या? मतलब आपके सामने कहीं से जी नहीं। अरे लीजिए लीजिए। अरे नजर घुमा के पी लो। ये पहले पीता था जी लेकिन अभी। पीजिए, टीवी देखिए। बस के बारे में गलती से कुछ कह दिया था, बुरा तो नहीं मान रहे? ये बुरा और मैं नहीं जी, नहीं जी।
अयो लाज लज्जा मान शर्म सब छोड़ दिए जो मैंने जब से आप इस बगीचे में हो जे। लेकिन सर इधर बहुत बड़ा झमेला हो रहा है। कैसा झमेला? ओ विजय साहब ना कॉन्फिडेंशियल फाइल लेके बंगले पे आज रात को बुलाया जी। क्या कह रहे हैं? हाँ जी विजय कॉन्फिडेंशियल फाइल मांग रहा है। यही तो बोल रहा हूँ सर। अगर ये फाइल विजय के हाथ में गया तो हथकड़ी लग जाएगी। आपकी भी खैर नहीं है। अयो अब क्या करेंगे सर? ऐसे कितने पैंतरे आपके दिमाग में हैं? इतना संभाल नहीं पा रहे हो? कहाँ के खिलाड़ी हैं आप? क्या ढूंढ रहे हो? अयो आ गया सर। क्या? दिमाग में आइडिया जी। क्या आइडिया? मैं बीमार पड़ जाऊं तो? कितने दिन बीमार पड़े रहोगे? और कुछ सोचिए और कुछ। विजय अभी कहाँ है? ऑफिस में जी। साहब आ मंगलू आ। मैं कमली को नहीं ला पाया साहब, उसके पंख निकल आए हैं। उसके पंख काट दे। दूसरे किसी को लेके आओ साहब। जो आप बोलो तो झुमड़ी पद्मा सीता गीता किसी न किसी को लेके आता हूँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गया। गड़बड़? अरे साहब आपका ये मंगलू के होते हुए कौन गड़बड़ कर सकता है? जरा इधर आ। अरे सर चुप छुप जा। सर में अभी भी दर्द है। सिस्टर एक विटामिन इंजेक्शन दे देना। ओके सर। डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। विजय, अरे ये सब कैसे हुआ? अरे तुझे अगर कुछ हो जाता तो मैं मामा जी को क्या मुंह दिखाता? जिसने भी ये किया है कोई नहीं बच पाएगा। विजय तुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना? नहीं। अच्छा रंजन भाई, आप डॉक्टर साहब से बोलिए ना, आज बंगलो चलना है। बंगले में जाना? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है ठीक है, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। हाँ प्लीज। मधु, अरे अरे बेटा सुना है कल क्या हुआ? हाँ अभी अभी तो आए हैं यहाँ पे और आते ही ऐसे सब। सुना है विजय जी इंसान अच्छा है, उसको इस तरह नहीं नहीं, भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। लक्ष्मण के साथ सीता, राम के साथ सीता। अरे माधुरी दीदी आप? तुम्हारे साहब घर पे हैं? हाँ, है ना, आप जाइए। अरे माधुरी तुम यहाँ?
आपके एक्सीडेंट के बारे में सुन के मतलब एक्सीडेंट तो मेरे लिए अच्छा हुआ। तुम जैसे खूबसूरत लड़के मेरे घर पे आ गई। अरे वहां क्यों खड़ी हो, आ जाओ बैठो बैठो आओ। बैठो बैठो ना। अरे नहीं बैठूंगी नहीं। अरे जब तुम आ ही गई हो तो बैठो ना बैठो। नहीं अभी आपकी तबीयत कैसी अरे है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलती हूँ। बैठो ना। एक्चुअली पापा के स्कूल का वक्त हो रहा है, खाना बनाना है तो। तुम खाना बनाओगी? और तुम्हारी माँ? मेरी माँ नहीं है, बचपन में ही हमारी मर्जी चाहे कुछ भी हो, होने को टाल नहीं सकते। मतलब? मतलब तुम्हारी माँ नहीं और मेरी भी नहीं। सॉरी मैं चलती हूँ। हाँ एक मिनट, तुम्हें गिफ्ट देना है। गुलाब, ये फूलदानी में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए। सर? सर नहीं, विजय, सिर्फ विजय। एक मिनट, तुम्हें गिफ्ट देना है। गुलाब, ये फूलदानी में अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए। सर नहीं, विजय, सिर्फ विजय। दीदी। दीदी क्या काम है? आपका शॉल और साहब ने ये भेजा। राहों में कांटा भी तो होता, दर्द बिना दिल को चैन कैसे आता। मोहब्बत की राहों में कांटा भी तो होता, दर्द बिना दिल को चैन कैसे आता। मोहब्बत की राहों में कांटा भी तो होता, दर्द बिना दिल को चैन कैसे आता।
चांद बन के आता हूँ मिटाने अंधेरा। चांद बन के आता हूँ मिटाने अंधेरा। जीने का तो अब मेरा तुम ही हो सहारा। दर्द बिना दिल को चैन कैसे आता। सपनों में भी तुम हो मेरा लग जा सब प्यारा। नींदों में भी ख्वाबों में भी तेरा ही यादें है भरा। ओ सपनों में भी तुम हो मेरा लग जा सब प्यारा। जिए साथ मरे करते हैं ये वादा। दर्द बिना दिल को चैन कैसे आता। मोहब्बत की राह में कांटा भी तो होता। दर्द बिना दिल को चैन कैसे आता। चैन कैसे आता। प्यारे विजय, तुम्हारे दिए हुए गुलाब का कांटा मेरे दिल पे तीर की तरह लग गया। तुम्हारी माधुरी। कौन कौन है? हाँ, छोड़, मैं समझ गई कौन है। कौन? भैया। बिना देखे कैसे पहचाना? स्पर्श से। हर बहन अपने भाई का स्पर्श पहचानती है। चलो अंदर चलो। चलो चलो। आ, पापा। अरे बाबू तू पाए लागू। कॉलेज स्ट्राइक, इसलिए। कॉलेज में स्ट्राइक? क्यों? वही सब, कॉलेज के दो यूनियन में लफड़ा। मैनेजिंग कमेटी ने इसलिए कॉलेज को बंद कर दिया। स्कूल कॉलेज में भी पॉलिटिक्स आ गया? अभी तो एजुकेशन भी बिजनेस हो गया है बेटा। अभी तुम नहीं समझ रहे हो बेटा, लेकिन 10 साल के बाद इसका फल दिखेगा तुम्हें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पता नहीं हमारे देश का क्या होगा। अच्छा बाबू, हाथ मुंह धोके कुछ खा ले। थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। एक काम कर बेटा, शाम तो होने को ही आई है, तो तू चावल ही चढ़ा दे। ट्रेन में कहाँ अच्छा खाना मिलता होगा। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। आ जा जा, चल काम कर काम कर। साहब। हाँ? बहुत रात हो गया, खाना लगा दू? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, तू खा ले। क्या साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। ए कांचा। जी साहब। तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
आज प्यार नहीं बनाया, आज रोटी दाल सब्जी चिकन मसाला बनाया। अरे पागल, मैं खाने की बात नहीं कर रहा। तब क्या? तुमने कभी किसी से प्यार किया है? प्यार? तूने कभी प्यार किया? जी। अबे डर किस बात का, बोल ना। मैंने प्यार किया साहब। हम जब कांची को पहला पहला देखा, मेरा हालत आप जैसा। मतलब? खाना पीना बंद, नींद भी चली गई। फिर? सब ठीक हो गया। कैसे? कैसे? अरे बोल ना, शर्माता क्यों है? शादी करके। साहब आप भी माधुरी जी से जल्दी शादी कर लीजिए, हाँ सब ठीक हो जाएगा। साहब अभी हाँ? खाना लगा दो। हाँ लगा। हाँ मैं आता हूँ। क्यों रे बाबू, सो गया क्या? नहीं रे, नींद नहीं आ रही है। तू कंप्यूटर सीख रहा है ना? अरे नहीं, क्या होगा वो सब टाइप वाइप सीख के। हमारा सीनियर बैच भी जो है ना, ऐसे इधर उधर भटक रहा है। आज की तारीख में अगर मामा चाचा ना हो ना, तो नौकरी नहीं मिलती। इसका मतलब हम कुछ ना सीखे, पापा जल्दी रिटायर हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग? हवा, बेकार लोग वैसे भी और क्या खा सकते हैं। तुझे एक बात कहूँ? बोल। पता है मधु, मेरे कोलकाता के हॉस्टल में मेरा एक दोस्त है, उसका बड़ा भाई बहुत सुंदर है, मेट्रो रेल में जॉब कर रहा है। तेरा फोटो देख के बहुत पसंद किया तुझे। पढ़ाई छोड़ के मैच मेकिंग शुरू कर दी तूने? लड़कियों के वक्त में अगर शादी नहीं हो तो बहुत तकलीफ होती। तुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। यही सच बात है। अब तू सोएगा या पापा को बुलाऊं? पापा? अरे नहीं नहीं, सो रहा हूँ सो रहा हूँ सो रहा हूँ। बाबू, ए बाबू, डोंट डिस्टर्ब मी, अब मैं सो रहा हूँ। हट, मैं भी सो रही हूँ। अरे पांच चाय लेके आओ, पांच चाय लेके आओ। अरे वो देखो कौन आ रहा है। अरे बाबू। क्यों रे, कैसे हो तुम लोग? हाँ आजा आजा। और बैट, बोल बैट। क्या कर रहे हैं? क्या करूंगा बोल, बाप के होटल में खा रहा हूँ और चाय पी रहा हूँ। और तू अपना बता, नौकरी वकरी? अरे कहाँ है नौकरी। अरे तुझे क्या नौकरी की जरूरत है, तू जब चाहे बगीचे में लग सकता है। तुम लोग तो ऐसा बोल रहे हो जैसे इस बगीचे का मालिक मेरे मामा मेरा चाचा है। मामा चाचा नहीं है, होने वाले जीजा तो है। हाँ मतलब क्या बोल रहे हो तुम? बोलना चाहता हूँ बगीचे का मालिक विजय भाई के साथ तेरी बहन गाना गाती है आजकल। मुंह संभाल के बात कर। अरे छोड़। हाँ तू अपनी बहन को जाके क्यों नहीं पूछ लेता क्या सच है क्या झूठ है? झिम झिम बरसात आई, बहारें हैं कैसे देखो छाई, तुम हो मेरा मैं हूं तुम्हारी, प्यार ये मौसम है लाई। रिम झिम झिम बरसात आई, बहारें हैं कैसे देखो छाई,
रिम झिम झिम बरसात आई। तो आज कुछ भी माने ना, खो जाए तुझ में ही जाने जा। समझ गई मैं हूँ तुम्हारा, तेरे बिना दिल तो लगे ना। पास आओ मेरी सुनो, ऐसे मुझे और तड़पाओ ना। कितने सपने नादान ये दिल भी ना माने, दूर ना जाओ ना सताओ, ऐसे मुझे और तरपाओ ना। रिम झिम झिम बरसात आई, बहारे है कैसे देखो छाई, तुम हो मेरा मैं हूँ तुम्हारी, प्यार ये मौसम है लाई। रिम झिम झिम बरसात आई, बहारे है कैसे देखो छाई, मैं हूँ तुम्हारा तुम हो मेरे, प्यार ये मौसम है लाई। रिम झिम झिम बरसात आई, रिम झिम झिम बरसात आई, रिम झिम झिम बरसात आई। मधु कहाँ गई थी? दोस्त के घर। फिर बारिश आ गई तो लेट हो गया, तो बैठ ना मैं चाय बनाती हूँ। बढ़िया, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि तू भी आजकल मुझसे झूठ बोलने लगी है। बाबू मैंने सुना है, छी 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 मधु, मुझे सोचते हुए भी शर्म आती है, तुझ जैसी लड़की एक ऐसे इंसान के पीछे, ये तू क्या करने जा रही है मधु? बाबू किसी से प्यार करना गुनाह है? बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके लिए बराबरी तो होनी चाहिए। मधु मधु तू भूल गई, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तू जिसके लिए अपने मन में सपने सजा रही है, हम लोग उसके काबिल नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है बाबू? पापा मैंने सब सुन लिया है बेटा। बाबू प्यार की कोई सीमा नहीं होती, समझे ना, अगर प्यार में सच्चाई हो तो पूरी दुनिया से नफरत का नामो निशान मिट जाएगा बेटा, क्योंकि इंसानियत का पहला उसूल प्यार ही होता है बेटा, दुनिया प्यार पे ही टिकी है बेटा। लेकिन बेटी प्यार करना और प्यार निभाना, इसमें बहुत फर्क है।
ये सब प्यार व्यार करने से पहले तुम अपने घर के बारे में जरूर सोचना, ताकि हमारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाए, क्योंकि वो प्यार का अपमान होगा। हमारी दुकान की सबसे महंगी साड़ी है ये। नहीं नहीं, ये सब तो सही है, लेकिन मैं अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद देने जा रहा हूँ, समझे? इससे बेहतर कुछ होगा तो। हेलो सैम, क्या बात है बनारसी? भैया आज रमा के घर आशीर्वाद देने जा रहे हैं। बनारसी रमा को आशीर्वाद देने जा रहे हैं? ये रमा कौन है? मैं बता दूं, और इसके लिए तुमको जल्दी बुलाया है। मेरे बिजनेस पार्टनर रोमेन और उनकी बेटी रमा से तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, और रमा को तो तुम जानते हो। हाँ जानता हूँ, लेकिन पापा मैं कह रहा था कि ये सब करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते एक बार। क्यों, मेरी पसंद पे तुम्हें भरोसा नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन बाप हो तो इसका मतलब है थोड़ी कि मैं तुम्हारे लिए बुरा सोचूंगा। रमा एक अच्छी लड़की है, पढ़ाई लिखाई और स्टेटस में तुम्हारे बराबर है। तुम फ्रेश हो जाओ और मेरे साथ चलो। पापा, क्यों कुछ बोलना है? हाँ बोलना है, मतलब मैं एक लड़की से प्यार करते हो? वो कौन है? उसके पिताजी क्या करते हैं? वो हमारे स्टेट के मास्टर जी की बेटी है। मास्टर की बेटी? वो भी प्राइमरी स्कूल के? मैं तुम्हारी पसंद देख करके हैरान हूं। तुम जैसा एक ब्राइट और यंग मैन, हाई सोसाइटी का लड़का, उस एक लो स्टैंडर्ड की लड़की से कैसे मिलजुल सकते हो तुम? क्या तुम अपने स्टेटस को भूल गए? भूल गए किस खानदान का खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है? लो स्टैंडर्ड? पापा आप मास्टर जी को लो स्टैंडर्ड कहते हैं? पापा आप भूल गए कि बचपन में कभी किसी मास्टर से ही आपने स्टैंडर्ड, स्टेटस ये अल्फाज सीखे होंगे? और खून आपके, मेरे, दासू के, सबके जिस्म में एक जैसा खून बहता है। सबका खून लाल होता है ना? शट अप। अब इस उम्र में मैं तुमसे न्याय नीति सीखूं? न्याय नीति मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं सच बोलना, और सच बोलना मैंने आप ही से सीखा है। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिए। विजय, क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तो फिर तुम मेरा भी फैसला सुन लो। अगर तुम इस तरह मेरा मान सम्मान धूल में मिलाओगे, इन दैट केस मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूं। मैं समझूंगा मेरे पास कोई बेटा ही नहीं था। रंजन। मामा जी आप कुछ फिक्र मत कीजिए। क्यों ना करूं? जिस लड़के ने आज तक मेरी आंख में आंख मिलाकर बात नहीं की उसने, मुझे अभी का अभी उस मास्टर से मिलना है। भाई सर ये बगीचे से आए हैं आप? मुझे नहीं पहचाना सर। ओह आप शशांक जी? हाँ 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 हाँ, असल में काफी साल हो गए मुझे उस बगीचे की तरफ गए हुए, इसलिए मैंने आपको पहचाना नहीं। बैठिए दासू, जाओ जी। आप तो शिक्षक हैं, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। पूछिए। अच्छा बोलिए शशांक जी, लोहे से कभी हीरे की अंगूठी बनती है? हीरे की अंगूठी कोई लोहा से बनवाता है? आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ के ना समझ का नाटक मत करो, मजाक मत करिए। क्या आपको पता नहीं कि आपकी बेटी मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है? जी हाँ, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करती है? हाँ। मेरा इकलौता बेटा, इस खानदान का हीरा, उसकी ना समझी का फायदा उठा करके
प्यार करने का नाटक खेल रही है तुम्हारी बेटी और तुम बाप होकर के जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। ये आप क्या बोल रहे हो सर? तुम्हारी साहस का दाद दे रहा हूं। देखिए, ये हैं राजेंद्र राय, मेरे दादा। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय बहादुर का खिताब दिया। और ये हैं उमाशंकर मैत्र, त्रिपुरा के जमींदार, जिनकी इकलौती बेटी थी विजय की मां। आपको तो पता चल ही गया होगा कि मेरे फैमिली का स्टेटस और मेरा स्टैंडर्ड क्या है। ऐसी हालात में अगर मैं एक मामूली मास्टर की बेटी से अपने बेटे की शादी करूंगा तो सोसाइटी में रहने दीजिए सर, बहुत हो गया। आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। मुझ जैसे गरीब मास्टर की आपके सामने क्या हैसियत? मान सम्मान स्टेटस ये तो उनको ही नसीब होता है जिनके पास पैसा हो। आज तक मुझे ये पता नहीं था, आज पता चल गया। और एक बात, हीरे की अंगूठी सोने के साथ ही शोभा देती है, लेकिन हीरा कभी भी सोने की खान में नहीं बनता, वो कोयले की खान में होता है। नमस्ते। पापा, पापा ये आपने क्या किया? वो खत्म हो चुका है बेटी, उसे खत्म ही होने दो। आपकी इतनी पसंदीदा किताब? अभी उस चीज का कोई काम नहीं। आज तक मैंने जो भी पाठ पढ़ाया वो सब कुछ गलत था। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आज से मैं नया पाठ पढ़ाऊंगा, उसमें ये लिखा रहेगा, स्वदेशे पूज्यते राजा, अर्थं सर्वत्र पूज्यते। आज इतने दिन बाद मैं ये सच जान गया हूं बेटी। विजय के पापा ने आपसे क्या कहा? वो सब तुझे सुनने की जरूरत नहीं, लेकिन बाप होने के नाते एक बात तुझे बता रहा हूं, सुन ले बेटी। जिंदगी की गाड़ी चलने के लिए दो पहियों की जरूरत होती है, एक होता है पुरुष और दूसरी स्त्री, पति और पत्नी। लेकिन ये दोनों पहिए एक ही समान होने चाहिए बेटी। इनमें से एक भी अगर असमान रहा तो गाड़ी दूसरी तरफ झुक जाती है और वो कभी भी गिर सकती है। सारा बोझ उठाना पड़ता है उस छोटे पहिए को, और इतना बोझ वो कभी कभी सह नहीं पाता और वो टूट जाता है। लेकिन दुनिया गलत साबित करती है उसी को, क्योंकि वो छोटा जो होता है। और आज की तारीख में कौन छोटा कौन बड़ा उसका मतलब तो एक ही है, पैसा। ये सारी सच्ची बातें आज विजय के पैसे वाले बाप ने तेरे गरीब मास्टर बाप को आज अच्छी तरह से उसने समझा दिया, बहुत अच्छी तरह। माधुरी, दरवाजा खोलो, मैं विजय हूं। माधुरी माधुरी, दरवाजा खोलो। माधुरी, अरे एक बार दरवाजा तो खोलो। माधुरी, ये क्या?
तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? खोलना नहीं चाहती थी इसलिए। मतलब? मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं आपसे मिलजुल नहीं सकती हूँ विजय साहब। विजय साहब, क्यों मुमकिन नहीं? क्यों? नामुमकिन है इसलिए। नामुमकिन? ये क्या बोल रही हो तुम? अरे सुनो माधुरी, हेलो, विस्की एंड नॉट अ पेग, फुल बॉटल। क्यों रे विजय, तू यहाँ? तू तो अमृत नहीं पीता है ना, आज क्या हुआ? इतने दिन बिना अमृत के ही जिंदा था, बट टुडे आई एम फिनिश्ड। मैं देखना चाहता हूँ कि इस अमृत से मरा हुआ इंसान जिंदा होता है कि नहीं।
चुराना है आसान, नियत छुपाना है आसान, फिर भी कर पाए ना, फिर भी भूल पाए ना, फिर भी कर पाए ना, फिर भी भूल पाए ना, भूल पाए ना, पाए ना, भूल पाए ना। नजरें चुराना है आसान, ओ नियत छुपाना है सब ने मुझे धोखा दिया, सब मेरी जिंदगी में अंधेरा हो गया। कौन है, कौन बैठा यहाँ भाई? साहब कांचा, ये कांचा सब मुझे छोड़कर चला गया, तू नहीं जाएगा क्या? साहब नहीं, तू बुद्धू है, बुद्धू सब चालाक है, तू बुद्धू है, तू बुद्धू है कांचा, बुद्धू। गुलाब सूख जाए, खुशबू खत्म हो जाए, तो बाकी रहते हैं कांटे। जिंदगी एक जुआ है और धोखा है। माधुरी, माधुरी माधुरी, माधुरी माधुरी दीदी, माधुरी दीदी, दीदी जी। हाँ? कांचा तू इतनी रात को? दीदी आप सो रहे हो और उधर साहब, साहब मुरझे हुए पड़े हैं। हमारे साहब बेहोशी की हालत में माधुरी माधुरी पुकारता है, ये कैसा प्यार, जिस प्यार ने हमारे साहब को पागल बना दिया। अगर हमारे साहब को कुछ हो जाए तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे माधुरी तुम यहां मेरे घर पे, वो भी इतनी रात को? अपमान करना कुछ बाकी रह गया है क्या? हाँ विजय, तुम मुझे माफ कर दो, तुमसे मैंने जो कुछ कहा वो मेरे दिल की बात नहीं थी, विश्वास करो, विश्वास करो, मैंने अपने दिल से ये महसूस किया है। विजय तुम्हारे बगैर
मैं अधूरी हूँ। तुम्हारे बगैर मैं माधुरी रो मत। विजय साहब। कौन? आप हमारे मालिक। मालिक मतलब भगवान। हम आप लोग हैं, आपकी कृपा से जिंदा है। हमारे घर के माँ बहन के साथ ये खेल बंद करो। आपके पास तो बहुत पैसा है, जाइए ना, मौज मस्ती के लिए तो बहुत जगह पड़ा है आपके पास। चलो माधो। रुको, तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। आप उसे ले जाने देंगे कि नहीं? कौन से हक से आप उसको रोक रहे हो? इतनी बड़ी हिम्मत? भैया भैया, आप इतने उत्तेजित ना हो, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। मामा जी, आप शांत हो जाइए। अरे गरम कैसे नहीं रहूं, शांत हो जाऊं? कैसे हो जाऊं बोलो? मेरा मान सम्मान, वंश के मर्यादा सबको नष्ट कर दिया। भैया हम क्या कर सकते हैं, सब तो हमारी किस्मत है, वरना विजय जैसा लड़का वो नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। मामा जी, लगता है वो लोग आ गए। दरबान को बोलो गेट बंद कर दे, इस घर में वो लोग आ ना पाए। सखी, ये क्या बोल रहे हैं? भैया तुम लोग चुप रहो, क्या हुआ, जाओ। भैया भैया, आप एक कर क्या रहे हैं बताइए, क्या आप विजय के बगैर रह सकते हैं? माया, मैं ये समझ लूंगा कि मुझे कोई बेटा ही नहीं था, मैं बेऔलाद। दासू चाचा, तुम बैठे रहो। दासू चाचा, ये क्या आपने गेट बंद क्यों किया है? मुझे कुछ भी मत पूछो छोटे साहब, मैं ये अशुभ बात नहीं कह सकता हूं। दासू चाचा, गेट खोलो। विजय, आई एम सॉरी, मामा जी को मैं बिल्कुल मना नहीं पाया। ये सब सुन के वकील को बुला के तुझे घर से बेदखल कर दिया है। मामा जी इतना सब कुछ करेंगे, मैं समझ नहीं पाया। मैं, तू मुझे गलत मत समझना विजय, चलता हूँ। हाँ आओ। मेरी वजह से तुम्हारा अब... अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना, बस घर की बात है ना, मैं हूं ना। चलो हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कहीं, चलो। एक मिनट सैम, सैम मैं जा रहा हूं, तू पापा का ख्याल रखना। हाँ, और ये चाबी पापा को दे दे, बोलना मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर नमस्ते। ठीक है, क्या बात है बोलिए। सर कोल इंडिया हमें कोयला नहीं भेज रहा जी। क्यों?
हमारा 4 लाख तक का पेमेंट बाकी जी। जब तक हम ये पेमेंट नहीं करते तब तक कोई भी कोयला सप्लाई नहीं होगा। उनकी तरफ से लेटर आ गया, यहाँ पे जो फैक्ट्री का इंजीनियर है ना, उनका कहना है जितना कोयले का स्टॉक है, अगर जल्दी से कोयला नहीं आया 2 दिन में फैक्ट्री बंद होगा। अच्छा, हमारे बैंक का क्या पोजीशन है? पोजीशन जो है उसमें स्टाफ पेमेंट भी बहुत मुश्किल है जी। लेबरों का पीएफ का पैसा जमा कर दिया? कैसे जमा करूं सर, वो लेबर के पीएफ के पैसे से आपके कहने पे आपके शराब का बिल पेमेंट किया था ना, 70,000 रुपीज। अगर वो 70,000 हम पीएफ में जमा नहीं किया तो उनके ऑफिस से इसमें चिंता की क्या बात है मैनेजर साहब, सब ठीक हो जाएगा। आप ड्राइवर को गाड़ी निकालनी बोलिए, सिलीगुड़ी जाएंगे मामा जी के घर। मामा जी कब आए? अभी जस्ट। बगीचे का क्या हाल है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन एक प्रॉब्लम की वजह से आया हूँ। दरअसल कोल इंडिया का जो ड्यू पेमेंट था वो इमीडिएटली करना होगा। ये क्या, पिछले महीने कोल इंडिया के पेमेंट के लिए 4 लाख तो दिया था। हाँ, दरअसल उससे मैं इलेक्ट्रिक बिल 85,000 और वो बाकी 3,15,000 रुपये में वो टी बोर्ड का रेशनिंग कंट्रोल का जो ड्यूज था वहाँ पे मैंने दे दिया, नहीं तो लेबर गुस्सा करते बिना राशन का। ओ ठीक है, ये अलमारी खोल के चेकबुक लेकर आओ। ओहो, मेरी पेन कहाँ गई? बोरिया बिस्तर बांधकर कहाँ जा रहा है? क्यों रे, गूंगा बन गया क्या तू? गूंगा नहीं बनूं तो तुम लोगों को ही तकलीफ होगी। साहब जी। क्या बात है, तू तो मेरे कमरे में आता ही नहीं आजकल, सैम भी नहीं आता मेरे कमरे में। कुछ बोलोगे? मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। कहाँ जा रहे हो? माँ के पास जाऊंगा। माँ के पास? तेरी माँ तो मर गई थी, नशे में है क्या? नशे के बिना इस घर में कोई रह नहीं सकता, सहन के बाहर हो गया सब कुछ। कालीघाट मंदिर जा रहा हूँ माँ के पास, ताकि इस अशांत माहौल को थोड़ी शांति मिले। नहीं नहीं सुन सुन, ये माँ के पास जब जा ही रहा है ये लेते जा, माँ को पूजा चढ़ा देना। किसके नाम से तू? आपके नाम पे? नहीं नहीं, मेरे नाम का नहीं। तो फिर किसके नाम से? विजय साहब के नाम से। वकील जैसे पूछताछ क्यों कर रहा है, जिसका नाम चाहे उसके नाम से चढ़ा देना। छोटे साहब। हाँ दासू चाचा। अरे दासू चाचा, आप कलकत्ता में? माँ की पूजा देने आया था, मेरी पूजा सफल हो गई। चलिए चलिए मेरे घर चलिए, यहीं करीब ही है, चलिए। अच्छा, ये इस तरफ है, आइए। रुको, उसे सरप्राइज देता हूँ। हे माधुरी, माधुरी, अरे जल्दी आओ ना, ये देखो कौन आए हैं, पहचानो? अरे चाचा, आप यहाँ? अच्छा ये लो, ये सब्जी लो, तुम इनको बिठाओ, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। हाँ, हाँ, चाचा बैठिए बैठिए। हाँ, और इनके लिए चाय बनाओ। हाँ, मैं तुरंत आता हूँ। हाँ, जल्दी आऊंगा। हाँ हाँ, अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना दी। अरे ये क्या चाचा, आप अब तक बैठे नहीं, खड़े क्यों हो? नहीं नहीं ठीक है ठीक है। अरे बैठिए ना। हाँ। बहुरानी, तुम लोगों की बहुत तकलीफ है, छोटे साहब के इतने बड़े घर, पलंग बिस्तर सब सुना सुना हो गया। आपके भैया को जितनी भी तकलीफ हुई
सारी मेरी वजह से। क्या ये सच नहीं चाचा? नहीं, सब कुछ किस्मत। अरे चाचा को चाय पिलाई? अरे पी तो रहे हैं। हाँ ये लो, ये मिठाई रख लो। बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए। फॉर्मेलिटी छोड़िए, मैं भी बैठता हूँ। दासू चाचा आप भूल गए हैं, मैं किसी टी एस्टेट का मालिक नहीं हूँ, बिल्कुल आम आदमी हूँ, बिल्कुल नौकर पेशा आदमी आप जैसा। छोटे साहब, बड़े साहब अभी बहुत कमजोर हो गए हैं। कैसे हैं वो? ठीक नहीं है, हमेशा चेयर में बैठे बैठे कुछ तो सोचते हैं। छोटे साहब घर चलिए ना, कम से कम बहुरानी की बात सोचकर, जो आ रहा है उसके बारे में सोचकर लौट चलो ना घर पे। नहीं चाचा, अब वो मुमकिन नहीं। ट्राम देखा, डबल डेकर बस देखा, मेट्रो रेल देखा, और कुछ नहीं देखा? जी नहीं। बेवकूफ। देखा है राम सीता। राम सीता? कोलकाता में राम सीता कहाँ देखा? हाँ बड़े साहब, राम सीता का वनवास देख के आया, स्वयं सीता आकर दरवाजा खोली, मुझसे ये पूछा पिताजी कैसे हैं। पिताजी का ध्यान रखना दासू चाचा। तू क्या बोल रहा है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तू सीधे सीधे बता नहीं सकता? सीधी बात ही तो कर रहा हूँ साहब, विजय साहब को और बहुरानी को देख के आया हूँ, साक्षात सीता मैया। तो फिर तू वो राम सीता के पास ही रह जाता, मेरे पास क्यों आया? मेरे सामने उनका नाम नहीं लेना है, चल जाए यहाँ से। जाऊँ ना, सब आ जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो बच्चे का देखभाल कौन करेगा? सुना, सुन लिया आशा, तुम दादी बनने जा रही हो, तुम उनको आशीर्वाद दो ताकि वो दोनों वापस आ जाए, मुझसे और सहा नहीं जाता। कौन? रंजन? हाँ मैं माँ बोल रही हूँ। सुनो, तुम अभी के अभी घर आ जाओ। क्या नहीं आ सकते? कल आओगे? फिर याद रखो, हमारे जिंदगी में भी अंधेरा छाने में देर नहीं, समझे? पिताजी कैसे हैं? पिताजी का ध्यान रखना दासू चाचा। विजय साहब को और बहुरानी को देख के आया हूँ, मैं नहीं जाऊंगा तो बच्चे का देखभाल कौन करेगा? ये क्या साहब जी, आप यहां इतनी रात में? सब कुछ ठीक है ना? क्यों रे दासू? साहब जी तू कब जाएगा? कहाँ साहब? बेवकूफ कहीं का, तू वो बोला ना कि वो राम सीता के पास जाएगा। विजय साहब का घर? मुझे लेके चलेगा? अब चलेंगे साहब, कल ही चलते, बहुत बढ़िया। नहीं माया, मैं ही जाऊंगा। भैया आप जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन आपके तबीयत की जो हालत है उसमें इतना लंबा सफर संभव है? क्या बात हो रही है माँ? सुनना, भैया विजय और बहू को लाने जा रहे हैं। ओ ऐसा? वाह, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन आपको बिना बोले मैं विजय को लेके आ जाता तो हिम्मत नहीं हो रही थी। सच में विजय के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब क्या भैया इस हालत में कोलकाता जाएंगे? नो, नेवर। नहीं मामा जी, आप नहीं जा सकते, मैं किस लिए हूँ? आपका रजामंदी जब मिल गया तो विजय और माधुरी को मैं खुद जाके ले आऊंगा। ठीक है, जब तुम बोल रहे हो तो तुम ही जाओ। दासू इनको उनका पता दे दो। सुनो, प्लेन से जाओ,
और प्लेन से लेकर आओ। ठीक है। ये क्या 28 नंबर है? हाँ। हरिचरण शाह। मैं हरिचरण शाह हूँ। मैं सिलीगुड़ी से आ रहा हूँ। हाँ। आपके यहाँ विजय करके कोई भाड़े पे है? हाँ। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ओ नमस्ते। लेकिन वो पति पत्नी घर पे नहीं है। घर पे नहीं? नहीं। कहाँ गए पता है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ? उनकी वाइफ को डिलीवरी होने वाली है। ओ कौन सा हॉस्पिटल पता है? SSKM, बेड नंबर 26, मैटरनिटी वार्ड। विजय साहब, आप अभी ब्लड बैंक जाइए। डिलीवरी के बाद पेशेंट को खून की जरूरत पड़ती है। हमारे अस्पताल में फिलहाल स्टॉक नहीं है। कुछ भी करके आप ही खून का बंदोबस्त करिए। इसमें 10,000 है, काम हो जाएगा ना? आज तक कोई ऑपरेशन फेल नहीं हुआ रंजन साहब। तो ये ऑपरेशन कैसे करोगे, चाकू या? वो सब बैकडेटेड, पुराना हो गया वो। हम लोग स्टोन मैन। कौन हो आप लोग, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाँ? देखो देखो, मेरी बीवी अस्पताल में है। यकीन करो मैं खून लाने जा रहा हूँ। ये प्रिस्क्रिप्शन, अरे वो दो ना मुझे। अरे अरे मुझे चाहिए वो। अब खेल खत्म, चलो बाले ब्रिज। विजय, जल्दी आ, पुलिस आ गई। कैसी है मैडम? ठीक हूँ। चलिए जीप दिखाइए। बहुत बढ़िया सिस्टर। यस। इनको विटामिन का इंजेक्शन दीजिए। ओके सर। क्या बात है, बेटा हुआ, पिता की कोई खबर नहीं, मुंह मीठा नहीं कराएंगे? रात को ही आने वाले थे, क्या पता क्यों नहीं आए। जयदेव, अच्छे से साफ सफाई करो। कितने पावर का बल्ब लगा रहे हो? 60 पावर। नहीं नहीं, 100 का लगाओ। ठीक है। बिरन जी, क्या बात है बिरन जी? अरे आइए गोपाल बाबू, कैसे? सफाई हो रही है, लाइटिंग हो रही है। असल में आज मेरा बेटा और मेरी बहू आ रही है। वो देखो वो लोग आ गए। माया जी, दासु जा देखना। अच्छा, जा जल्दी। क्या बात है, वो लोग कहाँ हैं? ओ समझ गया, गेट के बाहर है ना। हाँ, मैंने ही गेट बंद करवाया था। हाँ। मैं ही खोलता हूँ। मामा जी। हाँ? विजय नहीं रहे। हाँ? क्या कह रहा है तू? नहीं, अपने आप को संभालिए। भैया आप टूटना मत, मत टूटना।
तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। आशा, तू तो तुम्हारा विजय, मैं अपनी जिद पे आकर झूठे अहंकार के चलते उसको निकाल दिया था, लेकिन विश्वास करो मैंने अपनी गलती समझ ली थी। वो अपने घमंड में मेरी सफाई सुने बगैर ही चला गया। अगर आज तुम होती तो मेरी बदनसीबी, मैं रो के हल्का भी नहीं हो सकता हूं। तुम लोग एक एक करके इस तरह चले गए, मैं किसके सहारे जीऊं अब बोलो। हे भगवान। ओम जवा कुसुम शंका शंका शप्य महादुतिम अंतारिं सर्व पाप जनो प्रणोतस्मि दिवाकरम। अरे जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ, देखो ये कौन है। लगता है अभी भी जिंदा है। भगवान ने बचाया है उसे, अभी हॉस्पिटल में ले जाने का बंदा। ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब, सेंस तो आ गया लेकिन लेकिन सर पे चोट लगने के कारण सब कुछ भूल बैठे, जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एमनेशिया। क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब, क्या उस लड़के की याददाश्त कभी वापस ही नहीं आएगी? ये बोलना मुश्किल है, आप लोग कोई साइकियाट्रिक डॉक्टर से मिलिए। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर? हाँ, कोलकाता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, मैं लिख देता हूँ, आप उनसे जाके मिलिए। क्या बात है, आप लोग यहाँ क्या हुआ है? आप सब लोग जाओ अंदर चलिए। क्या हुआ है बताओ तो। यहाँ मुझे देख के इतनी शर्माने की जरूरत नहीं है। नहीं, इतनी रात को आप यहाँ? खाना बिना तो कुछ खाया नहीं होगी आपने, बच्चों को दूध कैसे पिलाएंगी? मैं अभी तुम्हारी देखभाल करने वाला हूँ, इसके लिए तो सब देखने के लिए आया हूँ। ये लो कुछ पैसे वैसे रख लो। पैसे आप ले जाइए, कोई बात नहीं, इस वक्त आप चले जाइए प्लीज। जाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, गलती मत करो लड़की, बिन पैसे तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। आप करीब मत आइए, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे मुझे देना।
देख भाग रहे चल ना देखते इसको चलो 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 छोड़ दो माझी बिना नाव कैसे पार लगाए, जितने भी लहर आए नदी छलकाए। माझी बिना नाव कैसे पार लगाए, आ माझी बिना नाव कैसे पार लगाए। ठिकाना कोई ना मेरा राही अकेला, कोई ना मिले आज राह ना मिला। देखू जहां सुना सुना लगे तो मुझे कैसे कोई दिशा मिल पाए। माझी बिना नाव कैसे पार लगाए, माझी बिना नाव कैसे पार लगाए। किस्मत है गर कागज के फूल, भंवरा कभी ना करेगी वो भूल। किस्मत है गर कागज के फूल, भंवरा कभी ना करेगी वो भूल। बाग कभी ना खिले ऐसी फूलों से, कोयल भी ना गाए ऐसे। माझी बिना नाव कैसे पार लगाए, जितने भी लहर आए नदी छलकाए। माझी बिना नाव कैसे पार लगाए। ये क्या सब अब खुली हवा में बैठे हैं इस तरह? बैठिए बैठिए डॉक्टर। डॉक्टर तुम तो मेरी 7 साल से दवाइयां कर रहे हो। जी हाँ सब। फिर भी नहीं समझ पाए बीमारी क्या है। यहाँ है बीमारी, यहाँ पे है। इस बीमारी की दवा तुम्हारे पास है क्या? ऐसी कोई दवा जिसको खाने से मैं सब कुछ भूल जाऊं? तो फिर आपको कोई चेंज में जाना चाहिए सर। चेंज? देखिए ना, चेंज में जाके कोई इंप्रूव होता है तो फिर आज चलो मैं। दासू। जी सर। डॉक्टर तो चेंज में जाने के लिए बोल रहा है। चलेंगे सर। कहाँ जा सकते हैं बोलो। मैं कहता हूँ क्या, पूरी चलिए ना, जगन्नाथ देव के दर्शन भी हो जाए। पूरी? नहीं नहीं, पूरी नहीं जाऊंगा, गया जाऊंगा। साथ में 2 काम हो जाएंगे, घूमना भी हो जाएगा, विजय का पिंडदान भी हो जाएगा। साहब जी, मेरी तबीयत का जो हाल है ना दासू, पता नहीं भगवान कब बुला ले।
उससे पहले मैं विजय का पिंडदान करना चाहता हूं, नहीं तो विजय की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मुझे भी मर के शांति नहीं मिलेगी। क्यों रे, रो रहा है तू? बाप बेटे का पिंड दान देगा इसलिए रो रहा है? क्या करूं बोल, यही मेरी सजा है, यही बाकी रह गया था। ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। आइए बैठिए। अरे रे रे, ये विधि अब नहीं होगी। क्यों पंडित जी, देखा नहीं इस बच्चे ने सब बिगाड़ दिया? वो कुछ नहीं होगा, बच्चा है ना। क्या बोल रहे हो, ये बच्चे का बाप दादे का कोई ठिकाना नहीं। बाप दादे के बारे में बोलना मत, मैंने गलती की मुझे बोलो। फिर अगर बाप दादा का नाम लिया तो एक घुसा और सीधा गंगा। रुक जा, मेरे सामने जवान लड़ा था हा? इतनी बड़ी बात? दादाजी, आपके माँ बाप के पिंड मैंने खराब कर दिया, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपने माँ बाप का पिंडदान नहीं दे रहा हूँ बेटा, मैं अपने बेटे का कर रहा हूँ। धत, बेटा तो बाप का पिंडदान करता है, बाप का भी बेटा का पिंडदान करता है क्या? तुम्हारा बेटा तो मरा ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे दो फल दोगे दादाजी? मेरी माँ बहुत बीमार है। तुम्हारा नाम क्या है बोलो? राजा। राजा, साला भिखारी कहीं का। हाँ? ने, ने, उसको मत मारिए पंडित जी, मत मारिए, मारिए मत, नहीं तुम्हें फल ले लो, लो। माँ, 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 ये देखो, ये फल, ये पैसे कहाँ से मिले हैं? तुम बीमार हो बोला और दे दिया, वो दादा बहुत अच्छा है। दादा? कौन दादा? वो एक बूढ़ा आदमी है, मैं नहीं पहचानता। राजा, इसका मतलब तू भीख मांग के लाया? क्यों बोल, क्या हुआ बोल। उठाता है बता।
अरे ओ ओ उठ उठ आ हाँ 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 ए हॉस्पिटल कहाँ है? ये सामने तो है। हाँ आओ 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 मेरे साथ। राजा तेरे सर पे बैंडेज, ये खून, क्या हुआ है तुझे? मेरी वजह से इसका हाल हुआ है। मेरा पैसा बचा है बच्चे ने। आप यहाँ? माँ मेरा दादाजी। दादा? अच्छा आप ही ने तो सिखाया, छोटे बच्चे भाई बहन और बुजुर्ग दादा दादी और जो मेरे जैसा है वो लोग है दोस्त जिनका बाल सफेद हो और दादाजी, इसलिए ये दादाजी। बस हो गई पटर पटर, चल अंदर। इस बूढ़े आदमी को बैठने नहीं बोलोगे बेटी? आइए ना अंदर आइए। दादाजी यहाँ बैठिए। बेटी एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम लोग अच्छे घर से हो, लेकिन इस जगह इस हालत में तुम लोग। वो एक लंबी कहानी है, इतिहास, किस्मत का खेल, वही हमें यहां ले आया। आज भी मैं जिंदगी के उतार चढ़ाव झेल रही हूं लेकिन किनारा नहीं मिलता। तुम्हारे पति को छोड़कर तुम्हारी ससुराल में और कोई नहीं? हाँ है ना, मेरे ससुर जी। तो इस तरह तकलीफ उठाने से तो अच्छा था वहां चली जाती। उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। इतनी अच्छी बहू को उन्होंने स्वीकार नहीं किया? तुम्हारा ससुर कोई इंसान नहीं, नहीं, नहीं। है ऐसा मत कहिए पिताजी। पिताजी? उनका कोई कसूर नहीं, सब मेरा दुर्भाग्य है। वरना बेटी मुझे जब पिताजी तुमने कह दिया है तो फिर आज से तुम्हारी किस्मत इस बूढ़े आदमी पे छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो। ये सब लोग गए कहां? राजा, राजा कहाँ गया? सबके साथ अंदर गया। ओ अच्छा। सैम तू राजा को लेकर आ, हम लोग चले जाएंगे। पता नहीं कहाँ के कौन गया से पकड़ के लाया और अपने घर पे रहने दे दिया, जैसे खैराती खोल रखा है। हाँ, देखो जरा कौन है ये। क्या बहू रानी तुम? हे भगवान, तुम्हारा खेल भी अजीब है। छोटे साहब के देहांत के बाद तुम्हें कितना ढूंढा मैं, आज इस तरह तुम मेरे सामने। नहीं चाचा, आप राजा को लेकर आइए, मैं चली जाऊंगी। ये क्या बहू रानी, तुम चली जाओगी? भगवान तुम्हें अपनी लीला से लेके गए थे और खेल खत्म हुआ तो वापस कर दिए, अब हम जाने देंगे तब तो तुम जाओगी। नहीं चाचा, जो लक्ष्मी बन के इस घर में कदम नहीं रख पाई वो विधवा के भेष में आज वो नहीं। नहीं कम से कम वो राजा के बारे में सोच के, वो क्यों तकलीफ है? इस खानदान का एकमात्र चिराग, उसके बारे में सोचकर आ सकती हूँ चाचा, लेकिन आपको एक वादा करना होगा, मेरा परिचय आप उनसे नहीं करवाएंगे। अब बोलिए चाचा, वादा कीजिए। तुम जो कहोगे वही होगा बहू रानी, फिर भी तुम चलो, दो मुझे। अरे तुम लोग कहाँ रह गए थे? अरे दासू तुम क्या पूछताछ कर रहे हो? आओ बेटी आओ आओ, चलो चलो आओ।
आओ बेटी आओ। दादाजी, ये फोटो में हार क्यों चढ़ाया? ये भगवान है क्या? ये फोटो मेरे बेटे की है। हार क्यों फोटो में? वो नहीं है, मर गया। डॉक्टर साहब, आज 5 साल हो गया, उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है? मैं कोशिश तो जारी रखा हूँ, और ये सब केस में थोड़ा समय तो लगता ही है। चलो अब हमें जाना होगा। कहाँ? ये क्या, इतना जल्दी भूल गए? हॉस्पिटल में? हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, अस्पताल नहीं जाऊंगा। जाओ बेटा, हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो ठीक कैसे होंगे? तुम्हारी माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, तुम्हारे अपने लोगों को देखने का दिल नहीं होता? डॉक्टर साहब को मैंने कह दिया है, मंदिर के उत्सव के टाइम तुम्हें वापस यहाँ लेके आएंगे। चलो आइए महाराज। अरे रे रे रे, ये मेरी गलती है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिए, मैं साफ कर देता हूँ। आपको लगा तो नहीं ना? उठ। मुझे पहचाना कमीने? बोल। विजय साहब। हाँ हाँ विजय। रुक जा। अरे पकड़ो, रुकड़ो। अरे सुनिए, अरे कहाँ जा रहे हो? तो फिर क्या? बोल बोल, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोल बोल, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? किसने बोला तुझे ऐसा करने के लिए? किसने बोला तुझे? रंजन साहब। रंजन, कौन चाहिए आप? हाँ, मैं इस घर में भाड़े पे रहता हूँ, आप कौन है? इस घर में किराए से रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपसे पहले पति पत्नी रहते थे वो? हाँ रहते थे। वो आदमी मरने के बाद वो औरत मकान मालिक को मार के भाग गई। क्या बोल रहे हैं आप, घर मालिक का खून? सुनिए ना। अच्छा, अब वो औरत कहाँ पर है आप जानते हैं? जी नहीं, मैं सबका ठेका लेके थोड़े बैठा हूँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सुना है तापा, बी ब्लॉक में रंजन साहब को घेर के रखा है। आज इस रंजन साहब का खेल खत्म। लेबर को निकालता था ना साला हरामखोर, उस साला रंजन साहब को पता चलेगा आज आटे दाल का भाव। सही बोला। जय बजरंगबली। Hey!
नमस्ते साहब। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। इस बगीचे में तो पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। अरे नहीं, मैं तो परदेसी हूँ। परदेसी, इधर उधर मैं घूमता रहता हूँ, लेकिन जब किसी की जिंदगी और मौत का सवाल आता है ना, तो भगवान, बस भगवान मुझे वहाँ पर भेज देता है। जैसे कि आज यहाँ पहुँच गया ना। थैंक यू। बस मतलब? बस सर, बस। आपकी जिंदगी की कीमत बस 100 रुपया? नहीं साहब, नहीं 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 नहीं। हाँ साहब, ये सच है कि मैंने आपकी जान बचाई। हाँ, ये भी सच है कि आपको मुझे कुछ देना चाहिए, लेकिन साहब, हर इंसान का ये धर्म होता है कि अगर कोई इंसान तकलीफ में हो, उसकी मदद करे, उसकी जान बचाए, ये धर्म होता है ना? बोलिए साहब, धर्म होता है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हाँ। पर मैं खुशी से दे रहा हूं तुम्हें, लोगे नहीं? साहब, साहब देखिए ना, देखिए कि भगवान ने ये चारों ओर क्या क्या बना करके रखा है। अरे वाह वाह, ये पहाड़, ये नदी, ये झरना, ये हरियाली, अरे वाह। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरा है, मेरा अपना है। जैसे कि ये चाय का बगीचा, ये भी अपना है। हाँ क्यों मालूम है साहब? मालूम है क्योंकि मैं आपका नौकर लगता हूँ। साहब, साहब मुझे एक बार, सिर्फ एक बार आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। साहब, नौकर को मालिक का सब कुछ अपना लगना चाहिए ना? ये नौकर का फर्ज होता है ना? फर्ज होता है ना? बोलिए ना मालिक। तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। लेकिन मैं तुम्हें क्या काम दूं, बोलो तुम ही। मैं फाइट भी करना जानता हूँ और गाड़ी भी चलाना जानता हूँ। तुम्हें ड्राइविंग आती है? एक बार वो स्टेयरिंग पे बैठने दीजिए ना मुझे, फिर देखिए मेरे हाथ का खेल, एकदम ढिशोम। चलो देखते हैं। चलिए साहब। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते, क्या बात है? माल आ गया है साहब, अंदर के कमरे में। चलिए। अरे साहब, कोलकाता से आपके लिए नया कबूतर पकड़ के लाया हूँ, डॉली और मोली। वाह साहब, आपके साथ जो सरदार जी आए हैं वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं। वो आपके क्या लगते हैं साहब, उसे जाने को कहूँ? नहीं नहीं, उसको यहाँ बुला के लेके आओ। क्या बोल रहे हो साहब, सरदार जी को अंदर बुलाओ? हाँ हाँ, वो यहीं रहेगा, बुला के लेके आओ। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। तुम डॉली या मौली? मौली। ए सरदार जी। हा? आपने मुझे कुछ बोला? हाँ हाँ, तुम्हें ही बोल रहा हूँ, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। हाँ ये ठीक है, चलिए। साहब, तुम तो बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हो। जी साहब। तुम्हारी ड्राइविंग से मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी नौकरी पक्की। आपकी मेहरबानी साहब। मंगलू। जी साहब। इसे ऑफिस में लेके जा, मैनेजर साहब को बोल एक ब्लैंक वाउचर में साइन करके इसको 1500 रुपए दे दे, और इसके रहने का बंदोबस्त भी कर दे। शुक्रिया साहब। किस नाम से वाउचर बनाऊं साहब? ओहो, तुमने नाम नहीं बताया अभी तक, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम तो साहब मेरा नाम विजयेंद्र सिंह। क्या बात है, एक घंटे से बस सीढ़ी ही साफ कर रही हो और कुछ नहीं हुआ? ऐसा नहीं चलेगा, तो खाना कब बनाओगी? जी बस हो ही गया। और हाँ सुनो, आज मेरा एकादशी है, तुम 8-10 बड़े बड़े पूरियां बना के रखना, शुद्ध घी में, समझे? मुझे ढूंढो, मुझे पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे ढूंढो, मुझे पकड़ो। कहाँ गया? इधर। कहाँ गया? कहाँ गया? अरे पकड़ लूँगा। अरे मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। हे, फूल क्यों तोड़ता है? हाँ, ये पौधा क्या तेरे बाप ने लगाया है? आप उसके बाप को क्यों गाली दे रही हैं? ओहो, महारानी को मिर्ची लग गई, उसके बाप का कोई पता है कि नहीं?
नाजायज कहीं का। ओह माया चुप करो, तुम्हारी जुबान इतनी गंदी है। भैया किसी बाहर वाली के सामने मुझसे इस तरह बात नहीं करना चाहिए था। माया तुम्हें मत भूलो कि तुम भी इस घर की नहीं हो, अगर मैंने रहने ना दिया होता तो तुम भी दर दर भटकती उसकी तरह। मैं उम्मीद करता हूं तुम अपने आप को सुधारोगी। एकदम बेकार है। माँ 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 रुको ना, माँ बैठो, तुम्हें एक चीज देना है। गुलाब, ये फूलदानी में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए। ड्राइवर साहब। हाँ? मैं कभी कभी देखती हूँ कि आप उस क्वार्टर की तरफ हमेशा देखते रहते हैं, तब आप बहुत उदास दिखते हैं। अच्छा कमली, उस क्वार्टर में कोई रहता नहीं? नहीं साहब, बहुत दिनों से खाली पड़ा है। खाली पड़ा है, लेकिन क्यों? ड्राइवर साहब, उस क्वार्टर में रहते थे हमारे बगीचे के शरीफ मास्टर जी, और इस बदमाश रंजन साहब ने शरीफ मास्टर जी और उनके बेटे को यहाँ से इस बगीचे से निकाल दिया। तब से वो क्वार्टर ऐसे ही खाली पड़ा है ड्राइवर साहब। ए सैम, राजा को देखा? साहब बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसी। ये राजा अगर आपका सच में पोता होता तो, विजय साहब का लड़का होता तो। दासू, भगवान ने मेरी किस्मत में इतना सुख लिखा है। ए लो, महारानी इतनी रात को कहां से आ रही है? राजा मिल नहीं रहा था तो साहब जी के कमरे में जाके देखा। ओ ऐसा है क्या, इतना अपनापन किस लिए? चलो आ कमीनी औरत, चल जा। छी, बोल बोल, कितने दिनों से भैया के साथ ये नाजायज संबंध चल रहा है तेरा, बोल। नहीं बोलेगी? बोलेगी नहीं? मैं भी बताती हूँ तुझे, तूने पहचाना नहीं मैं कौन हूँ। हे भगवान, तू मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? जितनी मर्जी तकलीफ मुझे दे दे, लेकिन लेकिन उसे सहने की ताकत भी तो दे मुझे। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। हेलो, कौन? रंजन? कौन माँ? हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ? मामा जी गया से एक विधवा औरत और उसके बेटे को लेकर आए हैं। ओ, क्या कहा? मामा जी के साथ गलत संबंध है, आपने खुद देखा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। क्या कहता है, मैं चिंता ना करूं? अरे मुझे तो इस बात का डर है कि भैया कहीं उस माँ बेटे के नाम अपनी जायदाद ना लिख दे। वो मैं कुछ बंदोबस्त कर ही लूंगा। ठीक है, जल्दी बंदोबस्त कर लेना। क्यों रे, क्या कह रहा है? किससे बातें कर रही हो माया? भैया रंजन के साथ बात कर रही हूँ। रंजन को कल आने के लिए बोलो। क्यों भैया? कल विजय की पुण्यतिथि है। कल विजय का पुण्यतिथि है, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा। शस्त्राणि नैरन्तं विपावकं।
कासिम वो हाँ खोल दो जरा। हाँ लीजिए। सुमित ताय कल्पति नाशतो वित्तति भाव ना भावो वित्तति शत उभयो रूपी दृष्टंत स्तनयो स्तत्य दर्शिभि अविनाशी तु तद् विद्धि जीनो सर्वमिदं ततम विनाशयम् अभ्याशास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त हि मे देह नित्यशोकः। तुम यहां? सैम तूने तो मुझे पहचान लिया। मैंने सबको चकमा दिया लेकिन तुझे चकमा नहीं दे पाया। मैं हार गया तुझसे। सैम, 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 सैम। अरे बापे, बचाओ, 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 बचाओ। अरे भगो, क्या? सैम, भगो, भगो। अरे, अरे बाप रे, ये क्या? वॉचमैन। अरे चलो। सैम को पकड़ो, पकड़ो सैम। ये तूने क्या किया सैम? ये सिंदूर। हाँ चलो 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 ये लेके आया। दादाजी उसे मत मारिए, मर जाएगा। दादाजी उसे मत मारिए, मर जाएगा। जाओ इसको लेके बगीचे में बांध दो। जंगल के जानवर जंगल में ठीक है। रंजन, रंजन तूने सुना? भैया ने उस आफत के कुत्ते को घर से निकाल दिया है। अब हमें भी निकाल देंगे माँ। क्या अनाप शनाप बक रहा है। सही बोल रहा हूँ। मतलब
विजय के बीबी और बच्चे इसी घर में हैं। इसी घर में? हाँ। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? सुनिए, वो माधुरी है विजय की बीवी और राजा है विजय का बेटा। तू सच बोल रहा है? अब समझ सकते हो क्या से क्या हो सकता है। तू डर मत रंजन, कोई कभी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे जिंदा रहते मेरे उम्मीदों पर कोई पानी नहीं फेर सकता। दादाजी का पैर छू के आऊं? नहीं, चल। ये क्या, तुम कहां जा रही हो बेटी? कहां जा रही हो? मुझ पर पाप चढ़ाकर तुम कहां जा रही हो बेटी? तुम तो विजय की पत्नी हो, तुमने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं कही? मेरा प्यारा पोता, मेरे विजय की निशानी, इस खानदान का चिराग, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी है अनजाने में, तुम मुझे माफ कर देना बेटी, माफ कर देना। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं नहीं, लो लो बेटा, पी लो बेटा दूध, ये लो मेरा प्यारा दूध। मत पीना राजा, दूध में जहर है। क्या 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 बोल रहा है तू? सब ये दूध इनको पीने के लिए कही। माया, दूध को तुम पियो। तुम छी 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 तुम छी। बहुरानी, अब तुम अपनी कसम वापस ले लो। चाचा। हाँ भाभी। भाभी मतलब? जी साहब, यह हमारी छोटी भाभी, विजय जी की पत्नी। तुम मेरे विजय की, राजा मेरा बेटी, आज मुझे तुम्हारे पिता की याद आ गई। उन्होंने सही कहा था, मेरी गलती की वजह से कितना दुख कितना कष्ट उठाना पड़ा तुम्हें। तुम मुझे माफ कर दो। तुम अगर मुझसे छोटी नहीं होती तो फिर मैं तुम्हारा पैर छू लेता। पिताजी, तुम मेरा सचमुच का दादाजी हो? रंजन शैतान, बगीचे का 50% शेयर मेरे नाम कर दो। कल सुबह स्टैम्प पेपर पर साइन करके एग्रीमेंट पेपर बना देना, नहीं तो सूर्योदय के संग संग आपके खानदान का एकमात्र चिराग बुझ जाएगा। रंजन छोड़ दो मुझे। रंजन राजा सिंह, चलो। राजा रुको, चलो। रंजन जी आप बच्चे को छोड़ दो, मेरे राजा को छोड़ दो। देख क्या रहे हो, चढ़ा दो उसके ऊपर। मेरी माँ को मत मारना, माँ के सिवा कोई नहीं है मेरा। मत मारो, मुझे माँ। तुम कहाँ जा रहे हो सिंह? मुझे माँ के पास जाने दो। आप लोग उसे छोड़ दो, उसके सिवा मेरा और कोई नहीं। माधुरी,
मेरा इस दुनिया में तुम्हारे और बेटे के अलावा कोई नहीं। कौन हो आप? विजय? 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 छोटे साहब, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। रंजन, उसको छोड़ दे, नहीं तो खैर नहीं होगा। छोड़ दूंगा मामा, बगीचे का 50% शेयर मुझे दे दो पहले। रंजन, छोड़ दो मुझे। चल रंजन। राजा, तुझे स्टेज चाहिए। रंजन, रंजन नहीं। हाँ रंजन, माँ मेरा सर मर गया, अब क्या होगा? आप तेरा खेल खत्म। उधर देख। शैतान, तेरी वजह से मुझे तकलीफ हुई। तूने सैम को मारा, मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं विजय, विजय नहीं, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे मेरे रंजन को, छोड़ दे, छोड़ दे विजय। उसे छोड़ दे और मैं मर जाऊं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी हस्ती खेलती जिंदगी तबाह कर दी, उसे तो मरना होगा। मैं इसे माफ कर दूंगा तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। हट जाओ। मैं तेरी बुआ हूँ विजय, ये मेरा एकलौता बेटा है, मेरा सब कुछ। मैं उसकी जिंदगी की भीख मांग रही हूँ तेरे सामने विजय। तू उसे मत मार विजय, मुझे भीख में दे, भीख में। सैम, उस दिन मैंने तुझे पागल समझा। मुझे नहीं पता था कि मैं खुद ही पागल हो गया हूं। मेरे टूटे हुए परिवार को तू जोड़ करके दासू, इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर।